पंचायत के जमडीहा एनआईसी क्लब के तत्वाधान में मैच का आयोजन रखा गया था और अभी दोनों टीम का जो है खेल का प्रदर्शन आप लोग बहुत संघर्षशील किए। हम चाहेंगे कि इसी तरह आप लोग अपना खेल का भाईचारगी का साथ खेल प्रदर्शन करते रहें और जमडीहा में जिस तरह से आप लोग फर्स्ट और सेकेंड हुए, सेकेंड जो हुआ उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो अपना कहीं से भूल चूक हुई है उसको सुधारते हुए अपना आगे का मैच में बेहतरीन खेल कैसे करें। और जो फर्स्ट है विनर है वो कैसे जमडीहा से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर और राज्य स्तर में जाने का काम करें, यही आप लोग को हम शुभकामना दे रहे हैं। और अभी यहाँ जो जो समिति के द्वारा आप लोगों को इस ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल का प्रतिभा आप लोगों का निखारने का अवसर मिला, हम चाहेंगे कि एनवाईसी क्लब इसी तरह खेल के भावना के साथ साथ जितना खेल में भी रुचि रखते हैं उतना अपना शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना भी रुचि रखें, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर बढ़ते रहें, तभी यहाँ का झारखंड का विकास होगा, नौजवानों का नौकरी और चाकरी होगा। ऐसी यहाँ का सरकार देख रहे हैं, ने इसके पास स्थानीय नीति है, ने नियोजन नीति है, ने शिक्षा नीति है। आप लोग को खास करके झारखंड के क्षेत्र में जो चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड को लूटने का काम किया किसी से छिपा हुआ नहीं है, या सू के कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, टिमटिमा रहा जो तिवारी मातो उसको नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसे यहाँ विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, पीएचडी विभाग के द्वारा एससी इंजीनियर का नियुक्ति पीएचडी विभाग के द्वारा कराया गया था, उसमें से चंद्र प्रकाश चौधरी और रघुवर सरकार जो छत्तीसगढ़ का बेटा है नौकरी करने के लिए आया था टाटा में रोलिंग मिल में, धन हो यहाँ का जनता का दुर्भाग्य, नौकरी करते करते यहाँ का जनता ने उसे झारखंड का मुखिया बनाने का काम किया और ऐसा नीति बनाया कि स्वर्गीय टेकलाल बाबू, स्वर्गीय विनोद बाबू और दिशम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जब अलग राज का स्थापना करने के लिए उन लोग आंदोलन किए थे उस समय 1932 का खतियान लागू करने के लिए, और जब तक 1932 का खतियान नहीं लागू होगा झारखंड में कोई ने शिक्षा होगा ने विकास होगा ने नियोजन में यहाँ के लोग थी होंगे। उन्होंने सर्वे करवाया हम लोग को अलग राज 2000 में मिला, एक प्रवासी मुख्यमंत्री भारत सरकार और झारखंड का जो चुनाव आयोग था उनसे सर्वे करा के देखा गया कि कब से झारखंड में
प्रवासी ग्रुप हावी है। उन्होंने एक मानक माना 25 को, 85 को मानक माना, जो 85 के कहने का मतलब है जिसका बाप यहाँ नौकरी कर रहा है, रिटायर कर गया, उसका बेटा भी यदि यहाँ जन्म लिया और शैक्षणिक क्षेत्र में यदि वो आगे शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया है तो उसको भी ये प्रवासी मुख्यमंत्री जो है स्थानीय मानने का काम कर रहा है। उसी दौरान में जो है 80 सीटें जो है इंजीनियरिंग का जो है पीएचडी विभाग के द्वारा नौकरी निकाला गया था, उसमें ये रघुवर सरकार और चंद्र प्रकाश चौधरी यूपी बिहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इंजीनियरों को 78 नौकरी देने का काम किया और झारखंड को प्रलोभन ने मंजूर देने के लिए दोस्तों मात्र 2 ही इंजीनियर का उन्होंने, ताकि झारखंड में किसी तरह हम अपना लोकनाथ क्षेत्र में घुसे, वैसे वैसे नेताओं से जब तक नहीं बचिएगा तब तक यहाँ का शहीदों का और खास करके टेकलाल बाबू का ये धरती रहा है, आप लोग यहाँ का जनता आप लोग का सहयोग से इस धरती को सींचने का काम किए हैं, इसलिए अभी बहुत आप लोग व्यस्त रहे, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग के बीच में बहुत सारे पार्टी का दिशा निर्देश हम लोग को मिला है, आप लोग को बीच में स्थिति और परिस्थिति लेके आप लोग को बीच में मैं आने का काम करूंगा। और अभी जो है हम लोग को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक जुनून सैलाब चला रहे हैं, जिस तरह लोकसभा के पीरियड में संघर्ष यात्रा चला के यहाँ का जनता यहाँ का जनसमूह जन आवाम को जिस तरह जगाने का काम किए, उसी तरह झारखंड विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा खास करके यहाँ की पार्टी है, यहाँ माटी का पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है झारखंड की बेटा की यदि बात करता है तो मात्र एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को माननीय किशन गुरु शिवू सोरेन जी के नेतृत्व में और हेमंत जी के नेतृत्व में जब तक हम लोग नौजवानों अपने कंधा में जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा, पूर्वजों का काम था लड़ झगड़ कर राज दिला देना, अब खास करके नौजवानों बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में जाने का कोशिश नहीं करें, झारखंड का अपना मान और सम्मान इस क्षेत्र का अस्मिता की बात है, अपना बेटा यहाँ का नहीं बनाइएगा सीएम तब तक आपका आने वाला जो सरकार है ये भी इसका 5 साल में देख लिए रघुवर का खाली हवाई पुलाव दे रहा है, और आने वाला सरकार में यदि आप लोग सचेत होके अपना हक अधिकार हुकूम के लिए यदि अपना एक एक मत झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी आप विभिन्न क्षेत्र में दूसरे विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार को नहीं जिताने का काम करेंगे, एक प्रवासी ग्रुप यदि जीत के आ गए ऐसे कानून बनाने के लिए जा रहा है कि जिस तरह भी हम लोग स्वतंत्र होके ब्लॉक में एसडीओ ऑफिस में
डीसी कार्यालय में राज